ईश्वर कौन है, थोड़ा विवेक की खिड़की को खोल करके रखना। हम सभी लोग मानते, सबकी मान्यताओं में भिन्नता है, तो हम लोगों की मान्यता, आप लोगों की मान्यता है। ईश्वर के विषय में भी बहुत सी मान्यताएं अलग अलग है, लेकिन थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ का ज्ञान प्राप्त करो। जैसे कहा जाता है मंडलेश्वर, संधि विच्छेद करो, मंडल जोर ईश्वर, एक समूह है, उसका जो हेड होता है, मालिक होता है, उसको कहते हैं मंडलेश्वर। राजेश्वर, जो राज्य का मालिक होता है, उसको राजेश्वर कहते हैं। ईश्वर शब्द का ही अर्थ लिया जाए तो ईश्वर शब्द का अर्थ होता है मालिक। इस शरीर का मालिक कौन है? आत्मा, जिसको कहा जाता है ईश्वरस्त्र भूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठत। हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित। भूत प्राणी, प्राणी किसको कहते हैं? जहाँ प्राण गतिशील होता है, जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो प्राण कहा जाता है। और ये वायु का अलग अलग नाम होता है, नाक के द्वारा जो वायु सिमट कर फेफड़े तक जाती है उसको कहते हैं प्राण, गुदा द्वारा जो वायु पास करती है उसको कहते हैं अपान, शरीर भर में जो वायु है उसको कहते हैं समान, और जो है व्यान से वायु हो, पेट में जो वायु हो व्यान कहते हैं, कंठ में उदान कहा जाता है। ये स्थान भेद के नाते अलग अलग वायु के नाम हैं। तो जहाँ प्राण गतिशील होता है उस प्राणी में ही ईश्वर का वास है, यानी वो आत्मा का वास है। आत्मा सर्वोपरि है, इस प्रकार से हमें ठीक से बोध होना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न लोगों की मान्यताएं हैं। इस्लाम में कहा जाता है जर्रे जर्रे में खुदा है, एक केवल मान्यता मात्र लेकिन विवेक की बात नहीं। हिंदू भाई कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, कड़कड़ में भगवान है, कड़कड़ में भगवान, जर्रे जर्रे में खुदा, इस प्रकार से लोग मान्यता बना रखी है। पर थोड़ा विवेक करने की आवश्यकता है। अगर कड़कड़ में भगवान आप मानते हैं तो पानी की एक बूंद में 6000 संख परमाणु होते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। एक बूंद जल में 6000 संख कण होते परमाणु, तो क्या वो सब ईश्वर ही है? मिट्टी के कण हैं, वायु के कण हैं, अग्नि के कण हैं, तो ये कण सब भगवान ही है क्या? आपका ठीक से केवल कथनी है लेकिन उस करनी नहीं है। आपको कथनी और करनी में असमानता है। जैसे कोई बच्चा है, जब जानकार हो जाता है उसको टट्टी मालूम पड़ेगी तो कहाँ जाएगा? शौचालय में जाएगा कि भोजनालय में जाएगा? आप जरा विचार करो। आपको भी अगर कहीं शौच मालूम पड़े तो कहाँ जाओगे? शौचालय में जाओगे कि भोजनालय में जाओगे? आपको ये पता है ये भोजनालय है, ये शौचालय है, ये अमुक स्थान है? आपको ये पता है कि भगवान कणकण में है, तो क्या आप चावल खाते हो कि नहीं, सब्जी खाते हो, गेहूं का रोटी खाते हो, तो कितने कण हैं जो भगवान को खा गए? ये केवल आपकी मान्यता मात्र है लेकिन समझ सही विवेक सम्मत नहीं है। परंतु ये कहा जाए कि घट घट में ईश्वर मालिक बैठा हुआ है, वो आत्मा ही ईश्वर है, इस प्रकार से यह निर्णय संयुक्त बात है। लोगों का कहना है कि ईश्वर शिष्य का करता है, जिसको वेदों में ऋत कहा गया है। ये जो कण है वो ऋत है, सत्य है। दो चीजें हैं दुनिया में, प्रकृति और पुरुष, जिसको गीता में बताया गया है प्रकृति च पुरुषं च विदनादि अभावपि। प्रकृति और पुरुष को तो अनादि जान, प्रकृति अनादि है और पुरुष अनादि है। मैंने एक किताब लिखी है, क्या ईश्वर की अदालत में न्याय है, उसकी भूमिका में मैं संक्षिप्त चर्चा दे दिया है, भूमिका में ही, और भी उसमें बहुत सी बातें हैं। तो ईश्वर क्या है? गांधी जी ने कहा ईश्वर सत्य है, ये न कहकर कहा जाए सत्य ही ईश्वर है। सत्य क्या है? दो चीज़ें सत्य, एक प्रकृति और पुरुष, यानी प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। प्रकृति जो है मिट्टी पानी आग हवा के परमाणुओं का कभी विनाश नहीं होता है। वैज्ञानिकों ने कहा दुनिया में 1 ग्राम जल अग्नि अथवा मिट्टी कम नहीं होते, ये ज्यों का त्यों ही रहते हैं, केवल स्थानांतरित होता रहता है। तो इस प्रकार से, और इनमें गुण धर्म क्रियाएं भी, 6 भेद होते हैं, धर्म गुण क्रिया शक्ति मेल और आकार, इन 6 भेदों के कारण से ये तत्वों में क्रियाएं होती रहती हैं और उसी चीज से बनती है और बिगड़ती है। जो चीज़ बनती है वो बिगड़ती है, तो मतलब एक जड़ात्मक सृष्टि होती है और एक चेतनात्मक सृष्टि होती है। जड़ात्मक सृष्टि है जैसे आंधी है, पानी है, ओला है, वर्षा है, ये जड़ात्मक सृष्टि है। पहाड़ है, कोयला है, वनस्पति है, ये सब जड़ात्मक सृष्टि है।
वर्षा जैसे सूर्य के ताप से पानी सूख करके ऊपर जाता है, वातावरण बिखरा हुआ है। जब वैसे मानसूनी हवा चलती है तो वातावरण से बदल बन जाता है पानी का, और वही वर्षा होने लगती है। अगर ताप गिर जाए तो विशेष ठंड हो जाए तो ओला बन जाता है, वही पाला बन जाता है, गिरने लगता है। ये प्रकृति का नियम है, तो वो जड़ात्मक शिष्य है, क्योंकि परमाणुओं में क्रिया है, वैसे जो है वो बनता रहता है। चेतनात्मक शिष्य ये माइक चेतनात्मक शिष्य है। चार खानियों के जो देह हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी और उष्मज, ये चार खानियों के देह हैं, ये चेतनात्मक शिष्य है। यंत्र है, घर है, घड़ा है, ये चेतनात्मक शिष्य है। एक सुई को भी चेतन नहीं बनाया है। तो कहने का मतलब चेतनात्मक शिष्य और जड़ात्मक शिष्य दो सृष्टियां हैं, और ये सृष्टि किसके द्वारा होती है? उस सत्य के द्वारा ही होती है। तो यहाँ आप ये कह सकते हो कि रित सत्य है, यानी ये कण सत्य है, प्रकृति सत्य है, पुरुष सत्य है, इसके द्वारा शेष होती है। लेकिन और कण कण में जो कहा जाता है ईश्वर, यह विवेक सम्मत बात नहीं प्रतीत होती है। तो ईश्वर को हम ठीक से समझ लें, और कहा है कबीर साहब ने, कबीर जेति आत्मा तेते साली ग्राम बोलन हारा पूजिए पहन सो। क्या कहा कि जितनी आत्माएं हैं वो सब साली ग्राम है, और बोलने वाले को पूजे पहन पत्थर से क्या कहा है। इसलिए आप लोग स्वयं परख बुद्धि पैदा करो, विवेक पैदा करो, तो सबके अंदर ये आत्मा बैठी हुई है। देहो देवालया प्रोक्ता केवला जीवा सा शिवा, ये देह देवालय है, देव का घर है, और शिव स्वरूप आत्मा विद्यमान है। जब शरीर से शिव निकल जाता है तो शरीर क्या हो जाता है? शव, शव नाम मुर्दा। जब तक शरीर में शिव है तब तक आत्मा, ये शरीर सत्यम शिवम सुंदरम भासता है। अब ये शिव को समझो, शिवलिंग की पूजा होती है। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, जहाँ शिव के चिन्ह पाए जाए वह पूजनीय हैं। शिव का अर्थ होता है दूसरे अर्थ कल्याण स्वरूप, जो मुक्त स्वरूप हैं, संत गुरुजन हैं, जिनमें कल्याण के लक्षण पाए जाते हैं, मुक्ति के लक्षण पाए जाते हैं, ये शिव हैं, ये पूजनीय हैं। कहते हैं कि शिव जी की पूजा करो, अगर मानो तो महादेव ने तो पत्थर, अगर मानो तो महादेव ने तो पत्थर है, मान लेने से महादेव हो जाएगा? मानो तो हलवा ने तो गोबर, अगर गोबर को हलवा मानो तो गोबर को हलवा मानो तो हलवा हो जाएगा क्या? ये झूठे विश्वास मत करो। एक बार पंडित जी थे, कथावाचक थे, एक भक्त यहाँ गए, कहा भगत जी हमारा कथा सुन लो तो तुमको हम भगवान का दर्शन करा देंगे। वो शर्मा परिवार का था, मतलब बड़ा ही था। कहा पंडित जी अगर भगवान का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए सब लाल आए थे, तो मैं आपको एक जोड़ी बैल चढ़ोतरी में दूंगा। पंडित जी ने सोचा चलो खेती बाड़ी का काम हो जाएगा, एक जोड़ी बैल काफ़ी कीमती होता है। तो पंडित जी कथा सुनाए, कथा सुनाने के पश्चात एक सप्ताह के बाद शाली ग्राम भगवान जो थे उनको दिखाया, कहा विश्वास करो ये भगवान है, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, बड़ा फल देंगे, विष्णु भगवान है, ये है शाली ग्राम का इनका अवतार हुआ है, तो ये भगवान का दर्शन कर लो। बड़े ही समझदार था, थोड़ा बुद्धिमान था, बेकी रहा। कहा पंडित जी ने कहा था हम भगवान का दर्शन कराएंगे, और बिना मुकान के पत्थर को कहते हैं भगवान है। नदी में जो पत्थर लुढ़कते 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 गोल हो गया, लंबा है, तो उसको शिव भगवान मान लेते हैं, और लुढ़कते लुढ़कते गोल हो गया उसको शाली ग्राम भगवान मान लेते हैं। अरे ऐसे मान्यता लोगों की है। तो बड़े ही ने कहा कि पंडित जी हमको जो है भगवान का दर्शन कराने के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन ये पत्थर का दर्शन कराते करते विश्वास को तो भगवान, तो वो भी कारीगर था, एक जोड़ी लकड़ी का बैल बना दिया, सींग पूंछ कान खुरी सब कुछ बना दिया बैल बिल्कुल, और वार्निश लगा करके ले गया ब्यास गति पर चढ़ा दिया। कहा पंडित जी विश्वास करो, आपके भगवान का तो मुँह कान कुछ है ये नहीं, कोई इंद्रिय नहीं, केवल गोल सपाट पत्थर है, लेकिन मेरे बैल के आँख नाक कान खुरी पूंछ सब कुछ है, और ये अगर सच्चा विश्वास आपका होगा तो ये बैल घास खाएगा, भूसा खाएगा, गाड़ी खींचेगा, हल में भी जो हल में भी चलेगा, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, जैसा कहते हैं उत्तर दिया कि नहीं दिया। तो कहने मतलब आज ये धोखा दिया था विश्वास करके। आप ये बताओ पत्थर पर आप विश्वास करते हो, अगर मानो जी तो शिव जी हैं, अगर मानो तो शंकर है, अगर है मानना सब कुछ तो हम ही शंकर हैं, किया जो प्राण प्रतिष्ठा तो पत्थर हो गया ईश्वर, तो इस प्राण को भ्राता न माने ब्रह्म क्यों कर। जब आपने उस पर विश्वास कर लिया है, प्राण प्रतिष्ठा करके उसको भगवान मान लिया है, तो जो प्राणी है प्राणी को ईश्वर क्यों नहीं मानते हो, इस प्राणी को भगवान क्यों नहीं मानते हो?
तो कहने का मतलब ये कि है इस प्रकार से धोखा दिया जाता है। सुनी सुनाई बात को बांध दिया खूट में और खखरी के मार भाई बच्चे की मार भाई खखरी के लूट में, बात केवल सुन लिया लेकिन थिंकिंग नहीं किया है ईश्वर कौन सी चीज का नाम है, व्हाट इज गॉड, वेयर इज गॉड, हाउ इज गॉड, ये प्रश्न कभी लगाया है क्या? एक बूढ़ी थी वो रही धोबिन, तो उसके एक गधा का बच्चा था, कोई बाल बच्चे नहीं थे, वो बड़े प्यार से गधे के बच्चे को पालन पोषण किया और उसका नाम बड़े प्यार से रख दिया सोडर मल। पशु भी प्यार करो या कहो तो वो भी पशु आपकी मुखातवी हो जाएगा। तो सोडर मल नाम लेकर के जब वो पुकारती थी तो गधा का बच्चा आ जाता था पास में, तो उसको कुछ खाने के लिए दे देती थी और सोडर मल को बड़े प्यार से पाला पोसा, सहलावे प्यार करे उसे। एक दिन वो गधा का बच्चा मर गया, बेचारी को बड़ा कष्ट हुआ, जैसे पुत्र मर जाता है तो दुख होता है तैसे ही उसको कष्ट हुआ, वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही, हाय सोडर मल, हाय सोडर मल, वो रो रही थी। इतने में राजा की नौकरानी कहीं गई, तो स्त्री का सुलभ स्वभाव होता है रोने का, आँख से अगर कोई रो रहा तो वो भी रोना शुरू कर देती, तो नौकरानी भी रोते हुए सोडर मल का नाम नाम लेते हुए और जाती है रनिवास में, तो रानियाँ भी रोने लग गई सोडर मल का नाम ले ले करके। जब रानियाँ भी रो रही हैं तो कोहराम मच गया, सोडर मल मर गए। राजा आया तो राजा का हृदय बड़ा कोमल था, जब रानियों को रोते हुए देखा तो राजा भी रोने लग गया सोडर मल का नाम ले लेकर के। जब दरबार में पहुँचता है तो सब राजा रो रहा है तो मंत्री भी रोने लगा, और मंत्री जब रोने लगा तो सारे सभा के लोग भी रोने लग गए, और ये बात फैल गई पूरे राज्य में कि सोडर मल मर गए हैं, सोडर मल मर गए, सारों तक चर्चा हो रही है। एक महात्मा जी आए, कहा भाई सोडर मल कौन ऐसा व्यक्ति था जो मर गया है? कहा बाबा अगर रोना है तो आप भी रोइए, ये सब लोग रो रहे हैं तो आप भी रोइए, आप क्यों पागल बने हो? महात्मा जी ने कहा मैंने पता लगा लूँ सोडर मल है कौन तब मैं रोना शुरू करूँ। कहा अगर रोना पूछना है तो जाकर कर्मचारियों से पूछो सोडर मल कौन है, वो लोग रोए हैं तब रोए। कर्मचारियों से पूछा, कहा भाई मैं भी नहीं जानता, राजा रोए हैं, अगर रोना है तो तुम भी रो, नहीं तो जाकर के राजा से मंत्री से पूछो, मंत्री रोया है तुम रोए। मंत्री के पास पूछा, क्योंकि महात्मा जी की खोज थी, खोजी हो तो मैं जाऊँ यक पल के तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, तो महात्मा जी की खोज थी। तो मंत्री से पूछा, मंत्री महोदय सोडर मल कौन था जो मर गया जिसके लिए आप रो रहे थे? कहा मैं नहीं जानता, ये जो है राजा रोया है तब हम रोए हैं। राजा के पास महात्मा जी पहुँचते हैं कि राजन सोडर मल कौन है जो मर गया जिसके लिए आप रो रहे थे? कहा बाबू महात्मा जी मैं भी नहीं जानता हूँ, रानियाँ रोई हैं तब हम रोए। महात्मा जी रनिवास पहुँच गए, कहा सोडर मल कौन है जो मर गया है? रानियों ने कहा मैं भी नहीं जानती, नौकरानी रोई है तब हम रोए। तो नौकरानी से पूछा सोडर मल कौन है जो मर गया है? कहा मैं भी नहीं जानती, धोबिनियाँ रोई है तो मैं रोई हूँ। धोबिन के पास महात्मा जी पहुँचते हैं, महात्मा जी पूछते हैं माता सोडर मल कौन है जो मर गया तुम रोती हो? कहा महाराज रोने लग गई थी। कहा महाराज एक गधा का बच्चा बचपन से मैंने पोसा था, बड़े प्यार दुलार से पोसा और बड़ा अच्छा लगता था, कुदकता था, बहुत आनंद आता था, लेकिन वही महाराज मर गया इसलिए मैं रो रही। अब गधा का बच्चा मर गया और नाम कितना अच्छा रखा था सोडर मल, और उसके लिए सब लोगों ने शुरू कर दी, क्या कभी खोज किया वो क्या है? कई शब्द का निष्पादन होता है अर्थ को लेकर, तो ईश्वर शब्द का अर्थ जो अगर समझदार है आप पढ़े लिखे हैं तो समझ सकते हैं, जो मालिक है ईश्वर का अर्थ होता है मालिक, जैसे मंडलेश्वर मंडल का स्वामी मालिक, राजेश्वर राज का मालिक, पुत्र का मालिक मालिक उसका पिता होता है, पत्नी का मालिक उसका पति होता है, ईश्वर है वो। लेकिन आप लोग तो ईश्वर दूसरे ईश्वर की पूजा करते हो, अपने पति की आरती पूजा करती हो क्या? भगवान के मंदिर में जाकर के आरती करोगे, वहाँ अगरबत्ती जलाओगे, लेकिन पति के सामने अगरबत्ती नहीं जला सकती, पति के सामने हाथ नहीं जोड़ सकती। एक बार एक भक्त थे तो उनकी पत्नी दीक्षा नहीं दिया था, संजोग से मैं गया तो डॉक्टर साहब हमारे पास साथ थे, तो उन्होंने समझाया बूढ़ी माता को कि माता जी दीक्षा ले लेना चाहिए, तो वह खैर दीक्षा तो ले ली। हमने कहा थोड़ा पति का प्रणाम कर लो, और मुंह में कपड़ा लगाए, कहा कैसे प्रणाम करो अपने पति का, लजाती है। अरे हम कहा कई बच्चों की माँ बन गई है, वृद्धावस्था भी आ गई है और पति देवता है ईश्वर है तो प्रणाम तो कर लो। बहुत कहने पर मुंह ढांक करके तो जाके प्रणाम किया,
भगत जी बता रहे थे कि साहब आज तक जीव कई बच्चों के माँ बन चुके हैं, लेकिन आज तक प्रणाम नहीं किया। भले बांस का खुट्टा को पूजा हो, भले वसु जो है पत्थर की पूजा किया हो, लेकिन पति की पूजा नहीं कर सकी। इसमें भी कितनी माताएं ऐसी होंगी, पति को प्रणाम करने में लज्जा लगती है। जहाँ अपने शरीर को समर्पित कर दिया है, माता और पिता परिवार को छोड़ करके चली आई है, किसके लिए? एक पति के लिए। अब पति का प्रणाम नहीं कर सकती, पति की सेवा नहीं कर सकती, उनके उनको देवता नहीं मान सकती, ईश्वर नहीं मान सकती, क्या तुम्हारी भक्ति यही है? ये सत्संग में आकर के सीखो, आप अपना व्यवहार को पवित्र बनाओ। पति ईश्वर है, पति मालिक है, तो उनको ईश्वर समझो। और पतियों को भी चाहिए, भगवती की लोग पूजा करते हैं, लक्ष्मी सरस्वती की पूजा करते हैं, तो वो क्या है? वो जड़ है, लेकिन घर की जो नारी है, बच्चे को पैदा करती है, पालन पोषण करती है, घर के धन को संभाल कर रखती है, तो नारी भगवती है। ये भाव अगर आ जाता है तो आपके घर में स्वर्ग उतरेगा कि नहीं? लेकिन हम लोगों के दिमाग में भूसा भर दिया गया है, और कुछ गुरु लोगों ने ऐसा दिमाग में भर दिया है जिससे आपका कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए पहले अपने आप को समझो, हु एम आई, और नो नॉलेज विदाउट नॉलेज, मैं कौन हूँ, और तो ये नॉलेज कहाँ से होगा? गुरु संत के द्वारा। यही एक आध्यात्मिक स्कूल है, जहाँ पर आश्रम वगैरह होता है वो आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र है, और मानसिक रोगों को शमन करने का वो स्थान है, जैसे अस्पताल वगैरह होते हैं जहाँ पर सारे रोगों का इलाज होता है, तैसे ये संत महात्मा कौन जो होते हैं जहाँ पर आपके मानसिक रोग का शमन होगा। मानसिक रोग कौन कौन से हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, छल है, कपट है, पांच विषयों की आसक्ति, ये सब मन के रोग हैं। लेकिन मन के रोग का कहीं पता चलता है क्या? अगर संतों के पास जाओगे तो रोग का पता चलेगा आपको। और आप ये समझ लीजिए, जो संत गुरुजन साधक हैं वे मन के रोग से मुक्त हैं, वही आपके रोग को उससे मुक्त कर सकते हैं। आज ये संत महात्मा जो देखते हो, मोटे तगड़े खूब अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, लेकिन मन इंद्रियों का इनका संयमन है कि नहीं? एक उदाहरण सुना दूं। एक भक्त था, उसने सोचा ये साधु लोग मोटे तगड़े हट्टे कट्टे घूम रहे हैं, अपनी मन इंद्रियों का संयमन कैसे करते होंगे? हम लोग रूखा सूखा खाते हैं, और रूखा सूखा खाने के पश्चात मन इंद्रिय का संयमन नहीं कर पाते, साधु लोग कैसे करते होंगे? वो एक महात्मा जी के पास पहुंच गया, तो महात्मा जी के पैर में घुटने में दर्द होता था, किसी वैद्य ने उनको एक मोदक बना करके दिया था, उसमें कई प्रकार के भस्म पड़े हुए थे, उत्तेजक था, तो महात्मा जी ने उस मोदक को प्रसाद के रूप में उस भगत को भी दे दिया। वो खाया तो उसका मन बहुत विकृति, मन में विकृति आई, इंद्रिया काफ़ी उत्तेजित हुई, उसको पूर्ण विश्वास हो गया ये साधु चरित्रवान नहीं होगा, मन इंद्रियों को रोक नहीं पाता होगा। दूसरे दिन आकर के प्रश्न कर दिया, थोड़ा समझो ठीक से इस बात को, दूसरे दिन आकर प्रश्न कर दिया कि बाबा आप मन को कैसे रोकते हैं, इंद्रियों का कैसे संयम रखते हैं? महात्मा जी समझ गए उसके प्रश्न को, कहा बेटा आज तुम दो मोदक खा लो, दो मोदक। कहे महाराज मैंने कल एक मोदक खाया, बहुत शरीर में गर्मी हुई और इंद्रियां काफ़ी उत्तेजित हो गई, महाराज दो खाएंगे तो शरीर में आग लग जाएगी। कहा बेटा ये प्रसाद समझ के खा लो, तुम्हारे लक्षण से प्रतीत होता है कल तुम 10 बजे मर जाओगे। जब महात्मा साधिकार उसको कहा कि कल तुम 10 बजे मर जाओगे, तब अब उसको भय हो गया। अब वो कहता, महात्मा जी ने कहा कि आज दो मोदक खा लो, प्रसाद समझ के खा लिया। अब बेचारा वो घड़ी को देखता है, कल 10 बजे में मरूंगा, 4 बजे गया था, अब घड़ी देख रहा है, धीरे धीरे उसकी सुई आगे बढ़ती चली जा रही है। अब वो जो मकान ऊंचा बना रखा था, बड़ा अहंकार था कि वाह अरे हम इतना बड़ा मकान बनाए, बढ़िया गाड़ी थी, बड़ा मोह था उसके प्रति, लेकिन कभी मकान भी नज़र में नहीं दिखा था, उसको मौत नज़र दिखाई पड़ रही। बेटा आ गया जो प्यार करता था, तो बेटा भी नहीं दिखाई पड़ता है, अब केवल मौत दिखाई पड़ती है। रात में पत्नी पास में आई तो अब वहाँ काम का कोई तो नाम ही नहीं, मैं कल 10 बजे मर जाऊँगा। धन जो जमा करके रखा था, बैंक बैलेंस का रखा था, उसका भी कोई ध्यान नहीं, तिजोरी में जो धन बंद था उसको भी ध्यान नहीं, क्योंकि सब छूट जाएगा, कल मैं मर जाऊँगा। रात भर बेचारा सोया नहीं, केवल वो मौत को देखता रहा। घड़ी की सुई आगे बढ़ती चली जा रही, 12 बजा दिया, 1, 2, 3, 4, 5 बजा दिया, फिर 6 बजा दिया, 8, 7, 8 बज गए, अब मैं मरूंगा, निकट आ गई मौत।
नौ बज गए, 9:30 बज गए, 10 पर सुई चली गई तो भी मरा नहीं। क्या हमारी घड़ी गड़बड़ है? घड़ी दूसरी घड़ी से मिलाया, घड़ी राइट टाइम दे रही थी। फिर सुई आगे बढ़ गई, 11 बजा दिया, 12 बजा दिया, कहा महात्मा जी झूठ बोलते हैं क्या? फिर महात्मा जी के पास गया नहा धो करके, कहा बाबा जी आप झूठ बोलते हैं। कहा मैं तो झूठ नहीं बोलता। कहा आपने कहा था कि कल 10 बजे मर जाऊंगा, तो मरा नहीं। कहा अच्छा ये बताओ बात को, कल से जब मैंने 4 बजे हमारे पास आए थे, तुमने तुमसे मैंने कहा था कि तुम 10 बजे कल मर जाओगे, इस 10 बजे तब तक के आपको कितना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सताया। कहा महाराज इसका तो कहीं नाम भी नहीं था, न मकान का अहंकार, न धन का अहंकार, न पत्नी का अहंकार, न बेटा बेटी का, कुछ भी अहंकार नहीं, न मोह भी नहीं था, मुझे याद भी नहीं है पत्नी और बच्चे का, मैं केवल मौत को देखता। कहा कल जो है तुम 4 बजे यहाँ पर आए थे तो 18 घंटा के बाद तुमको मौत नजर आ रही थी कि 18 घंटा के बाद हम मर जाएंगे। महात्मा जी ने कहा बेटा हमको तो ये विश्वास नहीं मौत अभी आ जाए, क्या ठिकाना, हम हमेशा मौत को सामने देखते हैं। अज रे बहुत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे, जब मौत सामने आ जाती है सारा अहंकार नॉर्मल हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। तो कहा बेटा हम हर समय मौत को देखते हैं, तो आप जो है तो मौत को 18 घंटा के बाद बताया था। बोलो सदगुरु देव की जय। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु देव की जय। आप लोग आगे बढ़ करके बैठेंगे, पीछे आगे बहुत जगह खाली है, आगे बढ़ करके जल्दी से बैठ जाएं, इतना जगह खाली है, आगे बढ़ जाएं आप लोग, आगे बढ़ करके बैठ लें। हाँ बैठ लें, बैठ लें, जल्दी से बैठ लें। तो मैंने जो कहा कि इस संत नु महात्माओं को ज्ञान रहता है और रिते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। अगर आपको यह ज्ञान हो जाए तो निश्चित है आप इस सबसे मुक्ति पा जाएंगे। अभी जैसे आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत लोग कुछ समझ रखे हैं कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए, खैनी नहीं खाना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, ये किसी संतगुरु का प्रभाव है। जो आप दुर्व्यसन से मुक्त हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि निरामिष हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो शराब नहीं पीते हैं, वे भी इंसान हैं। तो कहने का मतलब ये सदगुरु की कृपा है, उनके ज्ञान का ये प्रभाव है जिसके ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा आप इससे मुक्त हैं। सज्जनों ये संत गुरुजन जो है मन इंद्रियों का संयमन कर रखा है, मन इंद्रियों को जीत लिया है, जो कि आप बार बार संतों के द्वारा सुने हैं और मन इंद्रिया यही बाधक। तो कहने का भाव यह है कि संतों के पास विवेक ज्ञान है, वो सब चीज को जानते हैं, समझते हैं, उनकी दृष्टि पैनी होती है तो देखते हैं इस प्रकार से, इसलिए उनका मन और इंद्रिय संयमित रहती है। ये मानसिक रोग है, तो ये मानसिक रोग संतों का समन होता है, दूर हो जाता है। अब संतों के पास अगर जाओगे तो वहां पर आपके मानसिक रोग का समन होगा और अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। भौतिक ज्ञान के लिए आप बच्चों के स्कूल भेजते हैं, बच्चे और बच्चियों को, उसके पीछे हजारों हजार रुपया खर्चा करते हैं, वो रोटी धोती की विद्या प्राप्त करते हैं, लेकिन समझ लो विद्या पढ़ करके कितने ऐसे लोग हैं, शराब पीते हैं, अंडा खाते हैं, मांस मछली खाते हैं। विद्या महाकुसंग है, जो न कसौटी कीन और जेते दुर्गुण सोलह अंधकार मद्दीन, विद्या का भी अहंकार होता है लेकिन जीवन जीने की कला उनको नहीं आती है। एक छोटा उदाहरण करके मैं समाप्त करूंगा, साहबी आ गए हैं, क्योंकि आज का समापन दिवस है। एक पंडित जी थे विद्वान, कहीं जा रहे थे, नाव में बैठ करके पार हो रहे थे, तो अब कुछ बात किससे करें, पढ़े लिखे विद्वान थे तो केवट से कुछ बात करने का कहा। केवट तो गणित शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कुछ शास्त्र वगैरह का ज्ञान रखता है कि नहीं? नाविक ने कहा बाबा महाराज जी मुझे शास्त्र वास्त्र का ज्ञान नहीं है। कहा कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं? कहा मैं अक्षर का मुझे बोध भी नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर। तो कहा तेरा आधा जीवन बेकार हो गया, जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, बिना पढ़े नन पशु समाना। कहा बाबूजी जो कुछ भी हो। नाव बात करते करते आगे बढ़ रही थी, नाव उसकी कहीं भंवर में पड़ गई, भंवर पानी में, भंवर होता है, गहरी नदियाँ होती है,
कहा बाबूजी आप तैरना जानते हो कि नहीं? कहा भैया मैं तो तैरना नहीं सीखा। कहा बिना पढ़े मेरा आधा जीवन बेकार था, अब आपका होल जीवन बेकार। अब नाव को संभाल नहीं पा रहे हैं, नाव नीचे जाने वाली है, बांस वहां लगता नहीं है। उसने कहा मैं तो चला तैर कर बाबू सरिता के सुबह पार, और जाने बिना तैरना बाबू सब विद्याएं बेकार। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। अब तैरने की कला, संत गुर्जर ये जानते हैं तैरने की कला। संसार एक समुद्र है, संसार एक सागर है, और संत गुर्जर इसमें तैरना जानते हैं तो अपना जीवन सुख में बना लेते हैं। उनका जीवन सुखी है और दूसरे लोगों का भी को जीवन सुख में बनाते हैं। आज गुरु न मिले होते, संत न मिले होते, हम लोगों की केवल थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है जीवन का। कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। भोजन आप लोग दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, जो मिलता है उसमें संतुष्टि है, और क्या करना है। यह जो है संत गुरु की कृपा है। इसलिए सत्संग में आकर के ठीक से बात को समझो और सौदा परा करके लो। तो मैंने थोड़ी चर्चा इस पर किया कि ईश्वर कौन है। अब आपके बात समझ में जो कुछ आई हो तो समझो। मेरे समझ में यही बात आई कि ईश्वर कहते हैं जो मालिक है, स्वामी। मंडलेश्वर का मैंने उदाहरण दिया, राजेश्वर का उदाहरण दिया, ईश्वर का उदाहरण दिया। तो ईश्वर जो है जो इतने भूखंड का जो मालिक होता है उतने का वो ईश्वर होता है, जितने का मालिक है वो ईश्वर है, ये ईश्वर है। और आपकी मान्यता जो भी हो उस पर हमारा कोई आक्षेप नहीं है। मैंने ऐसा कुछ कह दिया, बता दिया। कबीर पंथी ईश्वर मानते हैं, कबीर पंथी राम को मानते हैं, कबीर पंथी भगवान को मानते हैं, कबीर पंथी मूर्ति को मानते हैं, कबीर पंथी तीर्थ को मानते हैं, लेकिन लोगों की भ्रांत धारणा की कबीर पंथी कुछ नहीं मानते। हम लोग ये मूर्ति सब मूर्ति की पूजा होती है, नहीं होती बताइए तो? मूर्ति की पूजा होती है। आप कौन मूर्ति पूजते हो? जो मूर्ति खाती नहीं है, पीती नहीं, चलती फिरती नहीं है। किसी ने कहा है मंदिर में पड़ी मूर्ति कुछ खा न सकेगी, और पूछो जो कोई बात तो बतला न सकेगी। पूछोगे कोई बात तो खामोश रहेगी, उठ करके चल दोगे तो कुछ तो कहेगी। रख दोगे खाने को फल फूल मिठाई, आ जाएगा चूहा तो कर जाएगा सफाई। मुखड़े से अपने मक्खी उड़ा न सकेगी, मंदिर में पड़ी मूर्ति कुछ खा न सकेगी। तो ये संत गुरुजन खाते पीते हैं। आप लोग जलपान दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, सब खाया पिया जाता है कि नहीं? और दूध पिलाते हैं आप, कोई मूर्ति दूध पिएगी क्या? खाएगी, जलपान करेगी? तो जो नहीं खाती पीती उसकी पूजा आप करते हो, हम लोग जो खाते पीते हैं उनकी पूजा करते हैं। आप लोग भी मूर्ति, आप लोग भी देवी और देवता है। तो कबीर पंथी लोग भी इस चीज़ को मानते हैं, ये भ्रांत धारणा मत करना। हाँ यही है, सबकी मान्यता भिन्न भिन्न है, क्योंकि भगवान मनुष्य की फैक्ट्री में बनता है, मैंने पहले दिन कहा था। सज्जनों इस प्रकार से ईश्वर के विषय में जो हमारे संबंध में आई वो बात थोड़ी सी कह दिया, बहुत ही कहे संतों के द्वारा और सुनते रहेंगे। बोलो सद्गुरु देव की जय।